सफाई। पाटीदार पटेल जी का झोल क्या है राजू रंजन जी, हे रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है, भाई साहब बताइए ना माहौल क्या है, बहन जी बताइए ना माहौल क्या है, रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है। नमस्कार, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती है, 2 अक्टूबर रविवार का दिन भी है, और मैं आजकल गुजरात का माहौल क्या है जानने के लिए गुजरात के गांव और कस्बे जा ही रहा हूं। आप देख ही रहे हैं, मैं इस वक्त अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में हूं। आपको पता ही है महात्मा गांधी ने आज़ादी का बिगुल इसी आश्रम से फूंका था, और यहीं साबरमती आश्रम में वो बहुत लंबे समय तक रहे थे। ओम नमो नारायण। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा रहने को घर नहीं पर सारा जहां हमारा। आप तो एकदम, अभी तो हम बोलना, अभी तो जाना शुरू किया, तब तक आप खुद ही प्रकट होगा। हम जा रहे हैं और क्या। आपका नाम क्या है बाबा? हमारा नाम है योगेश गिरी, नागा सन्यासी महात्मा। आप नागा सन्यासी हैं? हाँ जी, उज्जैन का। तो यहाँ एकदम आप तो महात्मा आश्रम है यहाँ बाजू में, ये एकदम महात्मा गांधी के वेश में आप रहते हैं? वो इधर गोली मारी तुमने, इधर हम पैदा हुए। हमारे पिताजी ने कहा खेलोगे कूदोगे नवाब बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे बदमाश बनोगे, तो आप सब बदमाश बन गए, हम देखो हीरो बन गए। एक मिनट हो, आप जो है, हाँ, यहाँ 2 अक्टूबर को आए थे कि रोज आते? अरे मैं तो कभी कभार आ जाता हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं आया हूँ यहाँ थोड़ा सा आश्रम में, वैसे तो मैं गांव देहात में घूम रहा हूँ गुजरात के, मैं जरा चुनाव के सिलसिले में आया हूँ, तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? भी देखो, अपने कोई इसमें राजकारण में कोई रस नहीं, और राजकारण तो हमारा ही चलता है साधु संन्यासियों का ही, हम जिसको चाहे उसको बिठा दे, जिसको चाहे उसको उठा दे। ये मोदी को भी हमने बिठाया है, जब चाहेंगे जब उतार देंगे। आरएसएस वाले जो हम सबसे बड़े महान है, और ये केजरीवाल गुरु जी नाम है राजयोगी नरेंद्र जी। झाड़ू आएगी कैसे? आम आदमी पार्टी आएगी। अरे वो देख रहे हो, वो तो छटक गए लिए, छटके लिए, वो तो पागल है, पागल है, पागल हो। आप कैसे, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी? दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में सुविधा नहीं दी उसने, वहाँ आ नहीं आ गई, यहाँ भी आ जाएगी। हरियाणा में कहाँ, अभी तो पंजाब में सरकार आई। पंजाब में है ना, दिल्ली में सरकार आ गई, पंजाब में। आप गुजरात के? हाँ जी, गुजरात के। तो सब तो कहते हैं गुजरात में बीजेपी को हराना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है ही, लेकिन अभी मशीन में चोरी होती है इसलिए। हाँ? मशीन में चोरी होती है। एक केजरीवाल 67 सीट जीत जाता, 63 सीट जीत जाता, पंजाब जीत गया, तब मशीन में चोरी नहीं? वो उन्हीं का मानस बिठाए लाए, वो राज्य सौंप दो कोई बात नहीं, दिल्ली सौंप दो कोई बात नहीं, गुजरात तो लेने का ही है ने। क्या मतलब? पंजाब सौंप दिया, दिल्ली सौंप दी। किसने सौंप दी? बीजेपी ने सौंपी, और किसने सौंपी? केजरीवाल बीजेपी से मिले? अरे सब मिले हुए, तो क्या मालूम कौन किले लाए। तब क्या कह रहे हो कि केजरीवाल साथ में खाना? अब आप क्या कह रहे हो केजरीवाल यहाँ आएगा? तो यहाँ तो सीट आएगी केजरीवाल की, लेकिन बहुमती नहीं बनेगी, बहुमती नहीं बनेगी, केजरीवाल की सीट आएगी क्योंकि बहुमती नहीं बनेगी। आप बताइए। मैं क्या बोलूँ, बोलो कहाँ के हो? अपने तो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आप रहने वाले कहाँ के? अहमदाबाद से, बापूनगर। तो इस समय गुजरात का जो चुनाव 2 महीने बाद होना है, तो क्या लग रहा है माहौल किसके? माहौल तो बीजेपी आएगी, बीजेपी। और बीजेपी से लड़ेगा कौन, कांग्रेस की केजरीवाल? वो तो मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि बीजेपी के सिवा गुजरात में यहाँ कोई नहीं आता है। क्यों? बस ऐसे एक घाट है, घाट। हाँ जी, आप बताओ यार, क्या बोल रहे? बता, चुनाव होने जा रहा गुजरात में आज, तो हालांकि गांधी जयंती है, मैं जा रहा हूँ साबरमती आश्रम में, थोड़ा दिखाता हूँ माहौल, बताता हूँ, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि गुजरात में इस बार बीजेपी के साथ लड़ाई में कौन है, कांग्रेस की केजरीवाल? झाड़ू नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं,
कोई आएगा ही नहीं तो मैदान साफ है एकदम साफ क्यों हर बार तो मैदान साफ ही होता है ना यार क्यों होता है मैदान साफ होता क्यों है ये बताओ बीजेपी अपने काम की वजह से जीतती कि किसी और वजह से काम के वजह से मोदी जी के हिसाब से जीतती है और काम के हिसाब से और बोलो आप भी कुछ कहना है हाँ मुझे बोलना है ना क्या बोले गांधी जी के विषय में बोला जो चाहो बोलो यार अच्छा तो गांधी जी का जन्म अपने 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गांधी जी के अपने माता का नाम पुतली बाई नाम था गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी नाम था गांधी जी के दादा का नाम तुलसीदास गांधी जी नाम था गांधी जी के परदादा का नाम उत्तम चंद गांधी जी नाम था गांधी जी के अपने परपुत्र यानी कि उनके साथ तुषार गांधी जी भी अपने हैं और अपने उनके साथ अपने गोपाल कृष्ण गांधी जी भी हैं और अपने दीदी आज़ादी अमे बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल साबरमती के संत तूने कर दिया क्या करते हो यार क्या क्या करते हो आर्टिस्ट हो किस चीज का पोर्ट्रेट आर्टिस्ट पोर्ट्रेट बनाते हो जी यहाँ कहाँ भटक रहे हो एक्चुअली मैं देखने आया था और एक्चुअली यहाँ देखने के लिए आया था कि क्या हो रहा है यहाँ पर नज़ारा कहाँ से नहीं एक्चुअली क्या है कि मैं अपने बैठता हूँ मेरी बैठक बारी है एक्चुअली और अपने मैं अपने टूरिस्ट आते हैं तो उनका स्केच बना के देता हूँ ये तुम ही बनाया हाँ ये मैंने ही बनाया बापू के पिताजी का नाम क्या था बापू जी के पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी नाम था बापू जी गांधी बापू के पिताजी का नाम ना मोहनदास करमचंद गांधी बापू का बापू का नाम तो गांधी जी नाम था अरे यार यहाँ यही सब सीखे हो तो गांधी बापू का ही नाम पूछ रहे हो ना आप गांधी जी का ही नाम पूछ रहे हो ना आप चलो ठीक है जाओ साबरमती आश्रम से आज माहौल क्या है मैं कर रहा हूँ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात से लोग आते ही हैं अलग अलग इलाकों से भी लोग इस दिन आते हैं और आज तो रविवार का दिन है छुट्टी भी है तो आप कहाँ से आए हम दिल्ली से आए हैं दिल्ली में जो नॉर्थ में पड़ता है नरेला वहाँ से आए हम अरे मैं जानता हूँ हाँ जी धन्यवाद बहुत हाँ गए भी हो ठीक से हाँ जी वहाँ से आए हैं तो मगर आज मेरी बेटी यहाँ गुजरात में रहती है मगर चलो 2 अक्टूबर का समय है गांधी आश्रम भी देख के आएंगे अच्छा ये बेटी आपकी गुजरात में रहती है यहाँ गुजरात में रहती है इनकी शादी नहीं शादी तो इनकी बिजनौर में हुई है यहाँ रहते हैं ये सर्विस करते हैं मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं यहाँ पे चलिए अच्छा है आप लोग मिल गए हाँ जी तो मैं तो ऐसे ही राह चलते लोगों से बात करता रहता हूँ जी सर हाँ आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मगर अगर मिल जाएंगे ना तो मैं तो है ना शिकायत करूंगी उनसे किस बात की कि चैनल बंद नहीं होने देते आपका भाई ये जरूर शो देखना मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए बस ये आपका शो जरूर देखना है चाहे कुछ हो जाए मतलब क्यों देखता हूँ क्योंकि आप बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी दिखाते हो और ग्राउंड रियलिटी में इस प्रकार लोगों की आम भाषा में क्वेश्चन करते हो जो सुन के बड़ा मजा आता है और बिल्कुल मैं तो ऐसे ही आप देख ही रहे हैं ऐसे ही चलते फिरते मुझे मालूम भी नहीं रहता कौन कहाँ से आया कैसे जब जहाँ जो लोग मिलते हैं मैं बात करने लगता हूँ खैर आप देखते हैं इसका बहुत शुक्रिया मैं मज़ेदार बात ये है कि आप दिल्ली से आए गुजरात में आपकी बेटी रहती है गुजरात में एक दिल्ली से नेता भी आ रहे हैं गुजरात में कह रहे हैं कि हम दिल्ली जैसा गुजरात को बना देंगे यहाँ फ्री बिजली दे देंगे ये कर देंगे हमने बहुत अच्छी शिक्षा कर दी बहुत अच्छा स्वास्थ्य कर दिया केजरीवाल की बात कर रहा हूँ जी सर समझ गया सर किंतु दिल्ली में शिक्षा तो शुरू से अच्छी है कुछ सुधार हुआ है किंतु गुजरात में जो सफाई है वो दिल्ली से तो लाख दर्जे अच्छा है दिल्ली में तो बिल्कुल ना सफाई है ना कुछ और चीज़ है और दूसरा यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी गुजरात की यहाँ के लोग बगैर पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले हैं बिल्कुल बड़ा स्मूथ चलता है यहाँ पर वहाँ पर इतना स्मूथ नहीं चलता वहाँ पर थोड़ा खिंचाव है आपस में ये बड़ा फ़र्क है गुजरात में बड़ा अच्छा लगा आके आप मुझे ये बताइए कि जो अच्छा आप बताओ आप तो गुजरात में रहती हो वो केजरीवाल आ रहे हैं गुजरात में कह रहे हैं एक मौका हमारी दो सरकार बनी तो बिजली फ्री कर देंगे नहीं बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं क्योंकि वो आदत गलत पड़ जाती है सिंपल सी बात है लोगों को खर्च पैसा है तो वो खर्च करे उस लिमिट तक करे जितना उनका पॉकेट में है ये नहीं कि 200 यूनिट फ्री हैं तो आराम से चलाते रहें कुछ केजरीवाल का लग रहा है इधर
नहीं मुझे तो नहीं, यहाँ बीजेपी रहती है, हमेशा वही रहेगी जहाँ तक है। देखो एक बात है, आपको शायद बिजली फ्री नहीं चाहिए, लेकिन केजरीवाल को तो बिजली फ्री फ्री पानी से दिल्ली में देख रहे हो आप, दोबारा आ जा रहे हैं। मुझे उनका नाम याद नहीं, किसी ने कहा था अगर आप फ्री प्रोवाइड करोगे तो कंट्री में प्लेग आता है, मुझे नहीं पता, यूरोपियन थिंकर था कोई, उसने कहा था और वो आता ही है। लोगों को फ्री की आदत नहीं होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको ये लग रहा है कि गुजरात में केजरीवाल कुछ टक्कर बीजेपी को देंगे इस बार, चर्चा में है? मुझे आई डोंट नो, इतना मुझे नहीं है, इतना मेरे को नहीं है पता। अच्छा आप महिला हैं, आप बताइए कि लोग ये कहते हैं, मैं बहुत जगह जाता, लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में तो बहुत अच्छा कर दिया और अच्छा किया है। अच्छा किया है जी, किया है, अच्छा अच्छा किया है। क्या क्या अच्छा किया आपके हिसाब? नहीं फिर भी जैसे स्कूल वगैरह की बिल्डिंग वगैरह में सुधार किया है, सारी चीज़ें हैं और वजह से भाई मतलब जैसे रूल भी तो होता है काम, इतना है। मैं तो वैसे घरेलू हूँ, इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे है देखा स्कूल वगैरह भी देख रहे हैं हम, अच्छे हैं। आपके हिसाब से आपके देखने में दिल्ली में जितनी सरकारें रहीं उसमें केजरीवाल की सरकार सबसे अच्छी है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो फिर ये दोबारा कैसे जीत के आ गए? अब ये है कि भाई फ्री का है सारा खेल, जैसे फ्री में है सब कुछ वही है बस। आपकी बेटी तो कह रही है फ्री कुछ नहीं चाहिए। हाँ अब सबकी अब अपनी सोच है भाई, क्या करें। एक ही घर में देखिए तीन विचार है, ये कह रही केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा किया, ये कह रही मैं तो एंटी आप हूँ, और आप? नहीं हम तो दिल्ली में तो सबसे ज्यादा अच्छा काम किया था शीला दीक्षित ने किया था, शीला दीक्षित ने बहुत ही अच्छा काम किया था दिल्ली में। केजरीवाल ने कोशिश की, शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर मुझे लगता है कि अब हर चीज़ शायद राजनीतिक एजेंडा बना लिया उन्होंने इस चीज़ को, जो अपना जो तो दूसरे बना ले तो ठीक, केजरीवाल बनाए तो ठीक नहीं, अरे नेता हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे। नहीं सर जैसे एजुकेशन को चुनावी एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। मेरी समझ से तो शिक्षा और स्वास्थ्य मेन मुद्दा बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं मेन मुद्दा बनना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य में इतनी तेज, मैं खुद एजुकेशन से संबंधित हूँ, स्वास्थ्य एजुकेशन में इतनी तेज जो परिवर्तन है वो लागू नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कागजों पर हो रहे हैं, लागू नहीं हो रहे हैं। वहाँ भी सब कागज पर ही चल रहा? नहीं कोशिश भी कर रहे हैं किंतु उतना सफलता नहीं मिल रही। आप कहाँ से हैं? मैं नीमच मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा चलिए आप दूसरी जगह से हैं, यहाँ तो सब जगह के लोग आते ही रहते हैं, आपका क्या विचार है? किस पे कौन से मैं थोड़ा केजरीवाल गुजरात में कुछ? गुजरात में तो मोदी जी सबसे बढ़िया है, और दिल्ली में जहाँ तक केजरीवाल की बात है, दिल्ली में जहाँ तक दिल्ली की बात है, केजरीवाल ने काम किया है स्कूल में और उसमें अपने अस्पताल के ऊपर अच्छा काम किया, शिक्षा के ऊपर अच्छा काम किया है, लेकिन गुजरात में तो मोदी जी मॉडल है, तो और मोदी जी ने यहीं रहते? नहीं मैं यहीं रहता हूँ, मेरी जॉब है यहीं पे। कुछ अच्छा किसका माहौल लग रहा है बीजेपी से लड़ाई में, आम आदमी पार्टी रहेगी या कांग्रेस? नहीं एक्चुअल में विकल्प नहीं है ना आपके पास, यहाँ पर बीजेपी सरकार ने अच्छा विकास किया है और आपके पास दूसरा विकल्प भी नहीं है, तो इसका बेनिफिट डायरेक्ट मोदी जी को मिलेगा, और मोदी जी के नाम पर अगर जीतेंगे तो वो जीतना ही है बीजेपी। तो साबरमती आश्रम 5 बजे बंद हो जाता है, बहुत कम लोग फिर बंद होते वक्त थे भी, तो मैं भी वहाँ से चला आया, अब मैं लॉ गार्डन में हूँ, यहाँ पर अहमदाबाद के और आसपास के लोग भी सामान्य लोग टहलते घूमते मिल जाते हैं। तो क्या नाम है आपका? भूपेंद्र, भूपेंद्र भाई। अरे भूपेंद्र भाई तो यहाँ के CM भी है। CM है। इसके और क्या हालचाल है भूपेंद्र भाई? हालचाल तो कुछ है नहीं, अभी तो गरबा चलता है, गरबा तो इलेक्शन का तो इधर कुछ है नहीं। और ये जो भूपेंद्र भाई दूसरे वाले हैं उनका क्या हालचाल है? वो तो आराम से पड़ता है, घूमते आराम से घूमते हैं। उनको तो बड़े आराम से CM की कुर्सी मिली। CM की कुर्सी मिली फिर? हाँ कोई उम्मीद भी ना किया था? नहीं दोबारा बनेंगे कि वो तो वही आएगा ना, दूसरा कौन आने वाला है? भाजपा सिवाय कौन आने वाला है? कोई है ही नहीं दूसरा पक्ष का। कांग्रेस बिल्कुल चला गया। और कोई पार्टी? बस अभी आप वाला है, देखो क्या करता है। क्या उम्मीद लग रहा है? ले जाएगा 8-10 सीटों तो ले जाएगा कम से कम, बिल्कुल है नहीं तो फिर
आठ दस बस बस बहुत ज्यादा नहीं आया है। अरे आप तो केजरीवाल हमारा कार्यक्रम देख लेंगे तो उदास हो जाएंगे, वो तो सरकार बनाने का सोच रहे। बराबर वो तो सोचे रहे, इधर तो भाजपा का जास्ती वो ही है, भाजपा है ना वो अत्यारे लीड में है बहुत। ये अच्छा, ये केजरीवाल जो फ्री 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 बिजली तो खाली बकता है, फ्री देगा तो फिर सरकार कहाँ से चलाएगा, सब फ्री में दे देगा तो। क्यों मोदी जी 15,000 करोड़ 5 रुपए 5 किलो राशन पूरे 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 15,000 करोड़ वो रेवड़ी नहीं है? वो भी रेवड़ी है ना, वो भी रेवड़ी है ना बिल्कुल। आज 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 से दूसरा नया कायदा निकाला जास्ती अनाज देने का, तो बताओ है? आज से 2 अक्टूबर है ना आज गांधी जयंती, तब से आज सब कार्ड धारकों को सबको अनाज फ्री में देगा। तो बताओ आप, एक तरफ तो आप 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो हम दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति बन गए, क्या है चक्कर क्या है? कोई मालूम ही नहीं पड़ता है, सब एक ही सरकार है, सब भाजपा वाला है, आप वाला, कांग्रेस वाला भी बोलता है हम सबका देवा माफ करेगा। तो ये बताओ कांग्रेस से आम आदमी पार्टी वाला, मैं तो एक ही चीज जानने में दिलचस्पी है कि ये जो भाजपा से लड़ने वाला कांग्रेस ऊपर आएगा या आप? अभी आप आया है, कांग्रेस तो निकल जाएगी बाजू में, बाजू में। आप वाले की फाइट होएगी देखना दोनों की, कहीं फाइट में आगे ना निकल जाए। दिल्ली और पंजाब का देखते हैं ना सब कि वहाँ अच्छा काम करते हैं, इसलिए वहाँ अच्छा करता है। हाँ वो केजरीवाल अच्छा करता है। हाँ सब ऐसा बोलते हैं, अपने तो दिल्ली नहीं गए। बात यही है, गुजरात वालों को लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, जो दिल्ली बैठे वो सोचते हैं कि गुजरात में भाजपा ने बड़ा अच्छा कर दिया। आए सही बात, दिल्ली में तो अच्छा किया है उससे किसी वाल, और यहाँ भी भाजपा तो अच्छा काम करती है अभी, तो ऐसा नहीं है नहीं करती है। तो ये जो कह रहे हैं भूपेंद्र भाई कि अब की कांग्रेस बाजू में चली जाएगी, आप ही लड़ेगी? हाँ पर ऑपोजिट तो चाहिए उसको, कोई भी पक्ष हो एक तरफ ही नहीं चलना चाहिए। हाँ ऑपोजिट तो उसको रहना ही चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। तो ऑपोजिट ये आप ही रहेगा या कांग्रेस रहेगा? नहीं आप ही आएगा, पर धीरे धीरे आएगा, यहाँ गुजरात में आएगा, एकदम नहीं आएगा फास्ट, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, उसको 2 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब आ जाएगा, तब आएगा सीटें ज़्यादा। आप आ जाएगा गुजरात में? अभी नहीं, 2 साल बाद, ये साल तो कम आएगा, अजू ये इसका जो काम अच्छा होगा तो अगले साल ज़्यादा आएगा। तो लोग आम आदमी पार्टी में गुजरात वाले क्या देख रहे हैं? वो तो कुछ यहाँ आप वाले को अभी तो दिख नहीं रहा है, वो दिल्ली का और पंजाब का देख के और यहाँ बोलता है सब हम देगा तो वही देख, बाकी तो कुछ है ही नहीं उसके पास। देखिए आज गांधी जयंती तो है ही, नवरात्र के हिसाब से आज सप्तमी है और कल अष्टमी के दिन गरबा और डांडिया का विशेष महत्व होता है। मैं जिस मार्केट में आया हूँ आप देखिए, ये एक अहमदाबाद की ऐसी मार्केट है जहाँ गरबा और डांडिया का ड्रेस मिलता है और पैर रखने की जगह नहीं है, और ये यहाँ की फेमस दुकान है जहाँ पर सस्ते और अच्छे कपड़े गरबा और डांडिया के मिलते हैं। देखिए आपको कितनी महिलाएं, कितने बच्चे बच्चियां, लोग यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। गरबा गुजरात में और दुर्गा पूजा बंगाल में बहुत ही विशेष महत्व की है। बहरहाल माहौल क्या है, सड़क गली कूचे मोहल्ले इधर उधर जाकर के मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, तो मैं यहाँ आ गया। इस मार्केट का नाम क्या है भाई साहब? मौलिक पटेल। मौलिक पटेल ये इसी के लिए फेमस है क्या? हाँ ये सस्ता मिलता है, रीजनेबल भाव में मिल जाती है, शोरूम से अच्छे भाव में मिलती है और वैरायटी मिलती है। अरे मैं तो आया हूँ ये जानने के लिए, ये जो चटनी, हाँ मैं गुजरात में बड़ा हल्ला आम आदमी पार्टी मचा रही है। कुछ नहीं है, भाजपा ही आएगी, बीजेपी ही आएगी, और वो जो फ्री बिजली कुछ नहीं चाहिए, अच्छा ही है ना, फ्री कहाँ पर है? 300 यूनिट बोल रहे हैं, मेरा यूनिट 300 के जगह पे 400 आया तो मेरे को तो पूरा ही देना है ना। 300 यूनिट के भीतर वाले भी तो ज़्यादा लोग हैं। वो है, वो गांव से आए गए, सिटी में नहीं है, गांव इलाके में ज़्यादा है। झाड़ू का चल रहा है? नहीं झाड़ू का नहीं चल रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का चल रहा है? कांग्रेस का भी कम है,
कांग्रेस से आम आदमी का ऊपर है कि नीचे? नीचे है, कांग्रेस और भाजपा में ही टक्कर रहेगी, आम आदमी पार्टी में नहीं रहेगी। वो दो चार जगह पे छोड़ के जैसे सूरत बूरत वहाँ पे आम आदमी पार्टी। क्यों? सूरत वहाँ पे सब चल रहा है अभी माहौल राजकीय। मैं प्योर बीजेपी हूँ, मैं प्योर बीजेपी हूँ। तो ये कौन सी खास बात है? पहले से जब से वोट देना शुरू किया तब से बीजेपी को ही दे रहा है और काम अच्छा किया है, लो अच्छा। आप बताओ भैया। मैं तो केवल आम लोगों से राह चलते बाजार में पूछ रहा हूँ, ये चुटड़ी में आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस क्या माहौल दिखाई दे रहा है? भाजपा, ओनली भाजपा, गुजरात में भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता है, ओनली भाजपा ही आएगी। आम आदमी वाला क्या कर रहे हैं? आम आदमी का कुछ नहीं होने वाला, भाजपा ही आएगी। खाली शहर से है? नहीं, पूरे पूरे गुजरात में भाजपा ही आएगी। हाँ जी, कौन पार्टी वाला माहौल लग रहा तुमको? क्या मालूम, मेरे को पता नहीं है यार। मेरे को नहीं मालूम। झाड़ू वाले के बारे में सुना? हाँ, झाड़ू वाले बारे में सुना है। क्या बोल रहा है झाड़ू वाला? आएगा कोई ना कोई का पार्टी। आएगा किसी ना किसी का पार्टी। नहीं, झाड़ू वाला क्या बोल रहा है? क्या मालूम, इतना मेरे को ध्यान में नहीं है। बोलना नहीं चाहते हो? नहीं, मेरा मालूम ही, पता ही नहीं है, तो फिर मैं बता देता। अब चर्चा तो चल रहा है झाड़ू वाला का भी, भाजपा का भी, अब कौन आएगा क्या मालूम। अब भाजप से लड़ाई में झाड़ू वाला है कि पंजा वाला? पंजा वाला सब है, साथ में है, सब साथ में है। हाँ जी, शू से शेयर मार्केट देख रहे हैं क्या? बंद हो गया शेयर मार्केट? नहीं है आज तो बंद है शेयर मार्केट, तो क्या देख रहे हैं? मार्केट तो 24/7 चालू रहता है। ये क्या है? देखो प्राइस लिस्ट देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये डिफॉल्ट हो रहा है वर्ल्ड बैंक का, क्रेडिट सुसी का, तो वो देख रहे हैं। ये तो हमारे एक मिनट रुको, देखिए मैं जो है बिल्कुल। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक का देख रहे हो? हाँ, यहाँ का तो पता नहीं चल रहा है। रोज यहाँ देख रहे हो कि रेपो रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लगातार रेपो रेट बढ़ता जा रहा है, ब्याज दर बढ़ती जा रही है, हर तरह के लोन की ईएमआई बढ़ती जा रही है। बढ़ेगी ना, क्योंकि कोविड के टाइम पे सब मनी प्रिंट करते रहेंगे तो क्या होगा फिर? अब अभी उसका भुगतने का टाइम आया है, सबको फ्री में मनी मिला है पूरे दुनिया को। दो साल से सब पैसे प्रिंट करते गए, पढ़ते गए, करते गए, तो अभी क्या होगा? अभी वही होगा जो हो रहा है अभी मार्केट में। बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई। लेकिन लोगों को मजा आया था तब जब फ्री में पैसा मिल रहा था तब। तो अभी भी मिल रहा है? अभी नहीं, कितने दिन मिलेगा? अभी उसका भी टाइम जाएगा ना, सबका वो इक्वल तो बैलेंस तो होना है ना। मोदी जी देखो अभी अनाज बढ़ा दिया ना, मतलब वो तो इलेक्शन आ रहा है इसलिए। इलेक्शन आ रहा है इसलिए। अच्छा, वो भी अनाज बंद करके इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे? ऐसा नहीं है एक्चुअली, दुनिया देखो, इंडिया में इलेक्शन कहीं ना कहीं तो होता रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ देती है तो लोग किसी के साथ जोड़ देते हैं। मैं ये जानने आओ, ये जो केजरीवाल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं फ्री का और ये जो देने की बात कर? एक चीज है, जिसको गवर्नमेंट में पता है कि इलेक्शन में जीत के आना है उनको देना है, जिसको देना नहीं है पता है कि नहीं जीतने वाले, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं ना। उनको देना तो है नहीं क्योंकि वो जीतेंगे तो नहीं, तो जीतेंगे नहीं तो देना नहीं है, तो वो कुछ भी फ्री में बोल सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के मुकाबले। होना चाहिए ना, ओपोजिशन तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फिर भी कांग्रेस की ज़्यादा आएगी, आम आदमी पार्टी का अभी टाइम है, उसको टाइम लगे, इतना जल्दी कहीं पर नहीं हो सकता। अगले में भी ये इलेक्शन नहीं, इसके बाद वाले इलेक्शन में हो सकता है कुछ, अभी कुछ नहीं। आज छुट्टी का दिन था और गुजरात में गरबा के लिए लोग इतना व्यस्त भी हैं, कल अष्टमी है, इसलिए मुझे लोग कम मिले। मैंने तय ये किया था कि आज शहर से ही करूँगा। बहरहाल, अब अगले एपिसोड में मैं आपको एकदम से गांव में लेकर चलूँगा। आज बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, News 24 अहमदाबाद। वो वाली MDH की सुपर हिट।
MDH Super Heem. जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद. MDH Super Heem.